नमस्कार आप दोस्तों, चलिए आज 9 मार्च सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सड़कों पर। तमिलनाडु से मोदी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के 13 नेताओं ने दिया इस्तीफा, AIADMK पार्टी में हुए शामिल। इनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव का योगी पर जोरदार हमला, कहा भाजपा कम मिट्टी में मिलाए जाएंगे, इनकाउंटर से कौन सा राज छुपा रही है योगी सरकार। यूपी के अलीगढ़ में होली के जश्न के बीच दो गुटों में आपस में भिड़त, बीजेपी नेता घायल। लोकसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहा, लेकिन 2024 में बीजेपी का करना है सुपड़ा साफ। बीजेपी सांसद का अतीक अहमद को लेकर विवाहित बयान, कहा जो अतीक अहमद का इनकाउंटर करेगा उसे सीधा स्वर्ग मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत के क्षेत्र से हुंकार भरेंगे अशुद्दीन ओवैसी, कांग्रेसियों ने कहा राजस्थान में ओवैसी को कुछ नहीं मिलने वाला। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने किया कपिल सिब्बल के नए मंच इंसाफ के सिपाही का समर्थन। पाकिस्तान के लाहौर में धारा 144 लागू, रैली कर रहे इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ से पहली बड़ी खबर, कल के शाम में तमिलनाडु से मोदी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के 13 पदाधिकारियों ने छोड़ी पार्टी, चुन सा पदे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी को आज करारा झटका लगाए। दरअसल आपको बता दें, तमिलनाडु के चेन्नई पश्चिम में भाजपा आई टी बिग के 13 पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी है। भाजपा आई टी बिग के जिला अध्यक्ष अनबरासन ने कहा कि मैंने सालों तक बीजेपी के लिए काम किया, लोग जानते कि मैंने कभी किसी पद की उम्मीद नहीं की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी पार्टी में असामान्य स्थिति को देखते हुए मैंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और हम सभी 13 के 13 नेता AIADMK पार्टी में शामिल हो गए। जो सो बड़ी अपडेट निकल के सामने, तगड़ा झटका तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी और अमित शाह को लगा है और बीजेपी के 13 पदाधिकारियों ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा देकर AIADMK का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव का योगी पर बड़ा हमला, कहा भाजपा कब मिट्टी में मिलाए जाएंगे, इनकाउंटर से कौन सा राज छुपा रही है योगी सरकार। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद बार पलटवार का दौर जारी है। अतीक अहमद की बहन के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए मंत्री नंद गोपाल नंदी पर हमला करते हुए योगी सरकार पर जोरदार हमला बुलाए। अखिलेश ने कहा कि प्रयागराज में मारा गया उमेश पाल भाजपा का सदस्य था, अतीक अहमद का पैसा लेने के मामले में जिसका नाम आ रहा है वह भी भाजपा के मंत्री हैं। अखिलेश यादव ने पूछा कि इनकाउंटर करके योगी सरकार कौन सा राज छुपा रही है। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने पूछा कि भाजपा की छवि खराब कर रहे लोग कब मिट्टी में मिलाए जाएंगे या मंत्री पद से हटाए जाएंगे। हमलावरों को मिट्टी में मिला देने की सीएम योगी की धमकी के बाद 7 दिनों में अतीक अहमद के 2 शूटरों को पुलिस ने मार गिराया है। इसी पर आज अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बुलाया और कहा कि भाजपाइयों को कब मिट्टी में योगी सरकार मिलाएगी और कौन सा इनकाउंटर ये योगी सरकार करा रही है और कौन सा राज इनकाउंटर कराकर योगी सरकार छुपा रही है वो योगी सरकार देश की जनता को बताए। इसी के साथ बड़ी खबर, मंडल के सीएम गहलोत के क्षेत्र से हुंकार भरेंगे ओवैसी, कांग्रेसियों ने कहा राजस्थान में कुछ नहीं मिलने वाला। झूंसा पदे, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इन सब के बीच चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ अशुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर उनको घेरने की रणनीति बना ली है। 11 मार्च को अशुद्दीन ओवैसी जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम बहुल क्षेत्र बम्बई स्टेडियम में पहुंचकर एक सभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले इस क्षेत्र में पहुंचकर जनसंपर्क शुरू करने वाले ओवैसी ने पहले ही कहा था कि राजस्थान में AIMIM पार्टी 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब कांग्रेसियों ने ओवैसी के दौरे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी को राजस्थान में कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ का मुसलमान बहुत समझदार है और कांग्रेस पार्टी को ही वोट देगा, इसलिए राजस्थान में ओवैसी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहा, लेकिन 2024 में बदलाव की शुरुआत। जो शपथ, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसी कड़ी में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे हैं, लेकिन 2024 में बदलाव लाने की कोशिश जरूर करेंगे। कस्बा उपचुनाव में बीजेपी की हार को ठाकरे ने बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस से रविंद्र
ढंगेकर विधायक बने। उन्होंने कहा कि कस्बा सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट थी, यहां महाविकास अखाड़े के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक ढंगेकर ने बड़ी जीत हासिल की है। ठाकरे ने बीजेपी पर निशान साधते हुए कहा कि एक समय था जब कांग्रेस को लगता था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता और अब बीजेपी भी यही सोचती है, लेकिन जल्द ही उनकी सरकार भी गिर जाएगी, उनकी भी हार होगी। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा बयान लोकसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने ये दिया है। इसी के साथ श्री परीक्षा मन काल के बीजेपी सांसद का विवाहित बयान, कहा जो अतीक अहमद का इनकाउंटर करेगा उसे सीधा स्वर्ग। बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने आज विवाहित बयान दिया है। राजभर ने कहा कि अतीक अहमद का इनकाउंटर हो जाना चाहिए, जो अधिकारी अतीक अहमद का इनकाउंटर करेगा उसे स्वर्ग मिलेगा। उन्होंने अपराधियों पर तत्काल एक्शन की तारीफ करते हुए सीएम योगी के शासनकाल को स्वर्ग युग बताया। हरियाणा यूपी के मऊ से सांसद रहे हैं। उन्होंने एपीवी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि उमेश पाल की हत्या में शामिल जितने भी अपराधी हैं सभी का इनकाउंटर हो जाना चाहिए। यही नहीं, घटना का जो मास्टरमाइंड अतीक अहमद जो जेल में बैठा हुआ है उसका भी इनकाउंटर कर देना चाहिए। अतीक अहमद ने बहुत हत्याएं और अपराध किए हैं। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी भी अतीक अहमद का इनकाउंटर करेगा उससे स्वर्ग मिलेगा। जो उस बड़ी अपडेट है, किस तरह से अब मुसलमानों को लेकर झेर इस बीजेपी के सांसद ने उगला है। इसी के साथ बड़ी खबर मनकाल के यूपी के अलीगढ़ में होली के जश्न के बीच दो गुट आपस में भिड़े, बीजेपी नेता घायल। जो सापदे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होली के जश्न के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट में बीजेपी के महानगर उपाध्यक्ष सुबोध स्वीटी घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक दोनों समूह के लोग हिंदू समुदाय के हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के सामने झड़प हुई। कुलदीप सिंह ने कहा कि घटना सब्जी मंडी जैक्सन पर हुई है। होली के जश्न के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले को सुलझा लिया। किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं की है, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही। बीजेपी के महानगर उपाध्यक्ष सुबोध स्वीटी इस झड़प में घायल हो गए। तो किस तरह से अब हिंदू पक्षी होली के दौरान आपस में भिड़ गए। मनकाल के फारूक अब्दुल्ला ने कपिल सिब्बल के नए मंच इंसाफ के सिपाही का किया समर्थन। जो सापदे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के नए मंच इंसाफ के सिपाही का स्वागत किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सिब्बल साहब एक अनुभवी नेता और अनुभवी वकील हैं। उन्होंने उन्हें विपक्ष की अहम आवाज माना जाता है और विपक्षी पार्टियों और नेताओं को एक साथ लाने की उनकी बात का स्वागत किया जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अन्याय के खिलाफ सभी के एकजुट होने से बेहतर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दृढ़ता से सिब्बल की नई पहल के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पार्टी रैंक और फाइल के साथ साथ पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का दृढ़ विश्वास है कि ये पहल अन्याय से लड़ने और विपक्षी दलों को एक साथ लाने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी। फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि सरकार नागरिकों के खिलाफ काम कर रही है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल अन्याय से लड़ने के लिए नए मंच इंसाफ के सिपाही की घोषणा की है। उन्होंने विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं सहित सभी को बुलाया और कपिल सिब्बल के प्रयास में उनका समर्थन करने के लिए कहा है। जो उनसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ श्री परीक्षा मनकाल कृष्ण पाकिस्तान के लाहौर में धारा 144 लागू ले रैली कर रहे इमरान की पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तार। जो उनसे इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की रैली को देखते हुए लाहौर में धारा 144 लगा दिया गया है। औरत मार्च के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में जमान पार्क इलाके से कई पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी पाकिस्तान की जियो न्यूज के हवाले से मिल रही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम प्रधानमंत्री तोसा खान मामले में फंसे हैं। उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना है, लेकिन अब तक उनकी पेशी नहीं हो पाई है। इमरान चौथी बार इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश नहीं हुए। वहीं अदालत ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री के वकील शेर अफजाल मारबत अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि 70 वर्षीय इमरान खान वजीराबाद हमले के बाद अस्वस्थ और आने में असक्षम हैं। इमरान खान ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार की निंदा की और कहा कि उनके खिलाफ अब तक दायर हुए कुल 76 कानूनी मामलों के पीछे ये सरकार है। उन्होंने ट्वीट किया कि शब बुद्धि नैतिकता और आचार से विभिन्न लोगों द्वारा अपराधियों के समूह को किसी देश पर थोप दिया जाता है तो ऐसा ही होता है। इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले उपहारों को तोसा खाने से कम दाम पर खरीदने और मुनाफे के लिए बेचने के आरोप हैं। इस्लामाबाद सस्ते अदालत के न्यायाधीश ने
26 फरवरी को खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और सुनवाई 7 मार्च तक स्थगित कर दी थी। तो वसाखाना मामले में खान के खिलाफ अदालती आदेश को लागू करने से कानून लागू करने वाली एजेंसी के अधिकारियों को रोकने के लिए खान और उनकी पार्टी के 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, मार्च जो इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ लाहौर में करने जा रही है उसको देखते हुए धारा 144 पाकिस्तान की सरकार शहबाज शरीफ ने लगा दी है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उल्लंघन करते हुए पाया गया, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। जो सो बड़ी अपडेट निकल के सामने सब तरफ से इमरान खान पाकिस्तान की शहबाज सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और लगातार उन पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने लाहौर में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी की रैली है उसको देखते हुए धारा 144 को लागू कर दिया गया है।